गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है आप लोग OC.1 पोएट्री का लेसन 2 का पोएट्री जो था और ऑन सॉलिट्यूड उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज हम कराने जा रहे हैं। तो इस पर आप लोग पहले जो है क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्वेश्चन कभी क्या कहना चाहता है। जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था उसको मैंने कल करा दिया था, जो 9 क्वेश्चन आंसर था। अब जो है आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है हमने बताया भी था। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि द पोएट थिंक दैट दस दोज हु आर कंटेंट विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी मैन। कभी सोचता है कि जो व्यक्ति अपने आप में संतोष रखता है, जो दे हैव आर अ हैप्पी मैन, वैसे व्यक्ति जो है अपने आप में बड़ी खुशहाल रहते हैं। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं इस बात से? कभी के बाद से गिव रीजन, कारण बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इसके आंसर में आपने लिखा है कि यस आई एग्री टू द पोएट्स आइडिया। हाँ, मैं पोएट के विचार से सहमत हूँ दैट दी Those who are the content with what they have, happy man. आगे है, contentment is the root of all pleasure and this contentment is the cause of all grief. यहां तक हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद happiness is the matter of mind. ठीक है ना, यह दिमाग का मैटर होता है, खुशी पर होना। When I take food and जब मैं हम लोग खाना लेते हैं, I desire to take more food और फिर खाने का मन करता है, I feel discontented। तो हम उसके बाद से यदि खाना दोबारा दिया जाए तो अब खाने का मन नहीं करेगा। वाह, क्या होगा? मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, इच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह से है। बट एज सुन जब ही फील कंटेंटमेंट, जैसे इच्छाएं महसूस होती है, आई स्टॉप टेकिंग फूड मोर। तो हमारा इच्छा जब खत्म होता है तब हम जो है क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, खाना नहीं लेते हैं। सम टाइम इट इज द सीन, ऐसा भी देखा जाता है कि सम बॉडी डोंट वॉन्ट टू लिव टेकिंग फूड। ठीक है, कुछ लोग जो है खाने छोड़ते नहीं है, पेट भरा हुआ होता है फिर भी उसको खा लेते हैं। ठीक है, फॉर बिकॉज ही डज नॉट फील सेटिस्फेक्शन। तो कुछ लोग का क्या होता है कि पेट भरा है फिर भी खा लिए, क्या उसे उनको संतुष्टि फील नहीं होता है। ठीक है ना, तो संतुष्टि जिसमें फील हो जाए, जब फील हो वहीं पर खुशी हाजिर हो जाता है, खुशहाली वही महसूस होती है, आनंद वही प्राप्त होता है। तो इसीलिए कवि का कहना है कि हमें एक सीमित दायरा में इंसान को रहना चाहिए और खुशी महसूस करनी चाहिए, संतोष महसूस करना चाहिए। जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए इसमें आप लोगों को और बता दें कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके बाद यहां से इसमें कुछ